कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लगे लॉकडाउन में उत्तराखंड सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसके बाद बागेश्वर में 43 खड़िया खानों में खनन का काम दोबारा से शुरू हो गया है। रोजगार मिलने से मजदूरों में भी काफी खुशी का माहौल है। बागेश्वर जिले में 45 खड़िया की खाने हैं। लॉकडाउन से पहले 45 खानों में खनन का काम चल रहा था। इन खानों में लगभग 2000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। लॉकडाउन में मिली छूट के चलते इन मजदूरों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। एक महीने तक काम बंद रहने से इन खानों में काम करने वाले नेपाली श्रमिक बेरोजगारी से आर्थिक मार झेल रहे थे, लेकिन अब इन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिल गया है। काम करने से श्रमिकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। और जो ये कोरोना वायरस से हम लोग बेरोजगार में सब लोग हम लोग बैठे थे, हम लोग रो रो के हम लोग ऐसे तड़बड़ रहे थे, क्योंकि सब हमारा ठेकेदार जी ने कैसे कैसे करके हम लोग को खाना बचने के लिए और काम धंधे के लिए सब लोग के लिए जुगाड़ा कर दिया है। हम लोग को वही नहीं खुशी है, सब लोग सबसे हम लोग एक बेरोजगार था, रोजगार मिल गए हम लोग वही। वही खान मालिक खड़क सिंह द 40 ने कहा कि मजदूरों के काम पर लौटने से पहले सभी मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने अभी अब लॉकडाउन ये खोलने से, हमारा काम खुलने से लेबरों को भी राहत मिली है और हमारा काम भी थोड़ा काम चालू हो गया है, और सरकार को भी इससे जो है आई सरकार की भी इकोनॉमी में भी फायदा होगा आने वाले टाइम पे, जब हमारे ये ट्रांसपोर्ट वगैरह खुल जाएंगे, हमें छूट मिल जाएगी गाड़ी ले जाने की, माल हाल बाहर ले जाने की, तो उससे कई फायदे होंगे, आगे को भी इसका इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, प्रदेश सरकार को इसका फायदा होगा। खड़िया खनन क्षेत्र में हर हफ्ते डॉक्टरों की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। मजदूरों के साथ साथ उनके परिजनों के स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा रही है। समय समय पर डॉक्टरों के द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हमारे द्वारा आजकल जो है सारे माइंस जो कांडा क्षेत्र के जितनी भी माइंस आ रही है उन सबका निरीक्षण किया जा रहा है, और क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं जो काफी दिनों से कोविड की वजह से जो बंद थी माइंस, इनको साइकेटिक इनका परीक्षण भी किया जा रहा है, और मानसिक स्थिति भी देखी जा रही है, और इनके सोशल डिस्टेंस के बारे में इनको बताया जा रहा है, और जो अपने जनरल हाइजीन के बारे में इनको बताया जा रहा है। वहीं खनन अधिकारी लेखराज ने कहा कि जिले में 43 खानों में खड़िया खनन की अनुमति दी गई है। काम के दौरान पट्टा धारकों को लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। जनपद बागेश्वर में अभी तक 43 सोप स्टोन की माइन को खनन काम करने की अनुमति दी गई है, और एक अल्मोड़ा मैग्नेसाइट को खनन का कार्य करने की अनुमति दी गई है। उसमें जितने भी हमारे मजदूर थे जो अंदर ही बंद थे अभी तक, उनको एक कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन उसमें उनको विशेष शर्तें और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बेसिकली उनके जो ऑनर हैं उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, और मास्क इत्यादि, और समय समय पर पूरे क्षेत्र को भी सैनिटाइज करेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम कार्य स्टार्ट कर दे रहे हैं, और कुछ समय के बाद सरकार अगर हो सकता है परिवहन के संबंध में भी कोई पॉजिटिव निर्णय ले सकती है, तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार तो उपलब्ध हो ही रहा है। राज्य सरकार द्वारा खनन के काम की अनुमति मिलने से हजारों बेरोजगारों में आर्थिक संकट कम हुआ है। मजदूर खुशी खुशी अपने काम में जुट गए हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट।